वेलकम स्टूडेंट्स टू आर MBA क्लास। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले 10th न्यू सिलेबस का फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 1.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले इसके बेसिक्स हम देख लेते हैं। जैसे -1 -2 0 1 2 3 ओके यहाँ पे, और जो नंबर रूट में रहते हैं बट वो बाहर निकलते, मतलब जैसे 16 तो ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4, 64 ओके, जो किसी के क्या रहते रूट रहते हैं यहाँ पे 64, ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ऐसे। और जो नंबर क्या होते हैं अपॉन में होते हैं, ये भी क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं हम, यहाँ पे मैंने थर्ड लिख के रखा ए बी नेवर ज़ीरो, मतलब जो ए बी वैल्यू है इनकी ये क्या होगी कभी ज़ीरो नहीं होगी। अगर आपको किसी ने लिख के दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक इक्वेशन लिख के दिया और उसमें उन्होंने क्या यूज़ किया ए बी को क्या किया ज़ीरो लिख के दिया, तो वो क्या होगा वो गलत इक्वेशन होगा ओके। तो यहाँ पे हम फोर देखते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट जो हमारे लेसन का नाम है उसका एक्चुअल में मतलब क्या है, यहाँ पे आपको उसका मतलब भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ मैंने लिख के रखा है यहाँ पे एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल, मतलब जो है वो इक्वेशन विच कंटेन दो वेरिएबल, वेरिएबल मैंने क्या बताया यहाँ पे एक्स वाई एंड द 3 डिग्री ऑफ द देयर टर्म कंटेनिंग क्या वेरिएबल इज 1, मतलब यहाँ पे जो तीनों की जो डिग्री है इसकी और इसकी और इसकी वो क्या रहनी चाहिए वो 1 रहनी चाहिए। यहाँ पे कहीं 2 लिखा है, अगर कोई 2 लिख के देता आपको क्वेश्चन में तो क्या होगा वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा, यहाँ पे 1 है इसलिए यहाँ पे इसको ऐसे दिखाया जाता है ओके। और यहाँ पे क्या लिखा है इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन, इसे क्या कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन, हालांकि आप इसका मतलब समझ गए होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इसका प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस मतलब ये दोनों जो दिए गए इक्वेशन साथ में उनको क्या करना है कंप्लीट करना है, यहाँ पे हमें इनकम्प्लीट बॉक्सेस दिए गए ओके। तो इससे हमें क्या करना है भरना है। चलिए यहाँ पे हमें क्या किया गया, पहले इक्वेशन A1 और इक्वेशन 2 दिया गया है, तो इसको क्या किया उन्होंने लेट ऐड इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को ऐडअप किया है, तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में प्लस दिया गया है बट यहाँ पे क्या होगा माइनस आएगा, एक गलत साइन है क्यों, यहाँ पे देखिए नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है माइनस, तो इसके हिसाब से यहाँ पे अगर प्लस माइनस होता है ओके। देखिए आप ध्यान से यहाँ पे इसका बेस ए भी अगर प्लस माइनस होगा तो हम क्या करेंगे एडिंग करेंगे, यहाँ पे इसलिए दिया गया है लेट ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस ओके। तो हम यहाँ पे आगे इसका बेस जानते जाएंगे जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे हम पहला देखते हैं फर्स्ट, यहाँ पे इसे क्या है 5x + 3y = 9 फर्स्ट 2x - 3y = 12 यहाँ पे इक्वेशन 2 दिया गया है, तो यहाँ पे इसको ऐडअप किया गया है, यहाँ पे इसको लिखा गया ऊपर फर्स्ट को और यहाँ पे इसके नीचे सेकंड को, इसके बाद उन्होंने क्या किया 5x और 2x हम क्या करेंगे यहाँ पे भरना है तो क्या हो जाएगा 7x, और यहाँ पे प्लस माइनस मतलब यहाँ पे इसको माइनस करना है, यहाँ पे माइनस का साइन है ओके। यहाँ पे 3y यहाँ पे 3y क्या होगा कट हो जाएगा, 3 कट हो जाएगा ओके, यहाँ पे y यहाँ पे कट हो जाएगा या फिर यहाँ पे 0 भी लिख सकते सिंपल, और यहाँ पे 9 12 को क्या करेंगे प्लस करेंगे तो क्या आएगा 21 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 7x है इसको क्या हम यहाँ पे भेजेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर x = यहाँ पे 21 और यहाँ पे इसको यहाँ पे 7 है 7 को यहाँ पे भेजेंगे तो क्या यहाँ पे, उसके बाद हम 7 का टेबल पढ़ेंगे 7 7 7 2 4 7 3 21 यहाँ पे 3000 है तो ओके। यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे से हम बॉक्स बना देंगे तो हमें क्या मिल गई जो एक्स की वैल्यू है क्या वो 3 मिल गई ओके। यहाँ पे नीचे हम नीचे क्या दिया गया प्लेस x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब प्लेस मतलब उसको वहाँ पे जो इसकी वैल्यू है पुट करनी है, एक्स क्या है 3 है
यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हमें किस में पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे 5x, ओके, यहाँ पे इक्वेशन है जो फर्स्ट है ऊपर, उसको हमको लिखना है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, 5x है, ओके, 5x। यहाँ पे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। बाद में यहाँ पे हमें लिख दिया गया है, ओके। तो अब 5 3 से कितना होता है, 15। तो 15 को लोगों को क्या किया है, वो लोगों ने इसको यहाँ पे भेजा है, 15 हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट। और उसके बाद हमने यहाँ पे बॉक्स फिल करने के बाद क्या, इसको क्या करना है, 9 - 15, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे जो माइनस का साइन है 15 के पास है, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, माइनस भी आएगा साथ में। 9 - 15 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो -6 यहाँ पे बड़ा नंबर के पास क्या है, माइनस का साइन है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 3 है उन्होंने, उसके बाद यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं क्या आंसर है, -6। उसके बाद बॉक्स में, उसके बाद ये 3 को उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ तो हम बॉक्स बनेंगे यहाँ पे 3। उसके बाद हम क्या, यहाँ पे 3 2, यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे, ओके। तो हमें क्या वाई का वैल्यू मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पे लास्ट में ऐसे लिखना है, सॉल्यूशन इज x, y, ओके, ब्रैकेट में। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे, x हमें क्या मिला, 3 मिला, तो 3। और यहाँ पे y कितना मिला, -2, ओके। तो सिंपली इसका जो बॉक्सेस था हमने भरा, और इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हमने देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ओके। तो हमें क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे इसको पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 करेंगे और इसको इक्वेशन 2। तो लिखते हैं यहाँ पे 3a + 5b = 26, और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे, और यहाँ पे ये लिखेंगे a + 5b = 22। यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 कर देंगे, ओके। यहाँ पे हम देखेंगे कि +5b + 5b क्या है, सेम है। तो यहाँ पे अगर माइनस रहता तो क्या करते हैं, हम इसे सिंपली कट कर पाते, ओके। तो यहाँ पे हमें इसे माइनस करने के लिए लिखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ओके। यहाँ पे देखते प्लस प्लस रहता है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग, इक्वेशन 2, ओके, 2 फ्रॉम 1। इसका मतलब क्या, जो दूसरा है वो पहले में से जाएगा, ओके। यहाँ पे आपको कैसे 2 1 लिखना है या 1 2 लिखना है, कैसे आपको पता चलेगा, जो बड़ा नंबर रहेगा, ओके, यहाँ पे लास्ट में इक्वल के पास जो बड़ा नंबर रहेगा उसको क्या करेंगे, हम जो बड़ा नंबर रहेगा उसको लास्ट में, और जो छोटा नंबर रहेगा उसको पहले लिखेंगे, ओके। यहाँ पे जो बड़ा नंबर है इस पर हम बाद में उसको पहले लिखेंगे जब नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको हम पहले लिखेंगे 3a + 5b = 26। तो यहाँ पे इसके बाद ये क्वेश्चन 2 लिख लेते, इक्वल्स टू 22। तो सब्सट्रैक्टिंग हमने लिखा, सब्सट्रैक्टिंग क्या है, यहाँ पे हम हर एक के नीचे कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ पे इसके नीचे माइनस, और इसके नीचे यहाँ पे जो इसका साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसे सब्ट्रैक्टिंग के वजह से, ओके। तो यहाँ पे हम 3a और a यहाँ पे नई नंबर दिया गया है, मतलब यहाँ पे 1 है, और 2 3 में से क्या होगा, 1 जाएगा, तो कितना होगा, 2, ओके, a एस इट इज़। यहाँ पे क्या, 5 में से 5 जाएगा तो क्या, 0, ओके। यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम कुछ तो भी चलेगा। यहाँ पे 26 में से 22 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 2 है क्या, यहाँ पे इसके पास इससे भेजेंगे, यहाँ पे इसे डिवाइडिंग के लिए हम भेजेंगे 2, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, a = 4 / यहाँ का 2 यहाँ नीचे आ, सिंपल। तो इसे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 = 4। तो a का वैल्यू हमें क्या मिल गया,
फोर मिल गया। ओके यहाँ पे हमें देयर फोर का साइन लगाना है। एक के बाद हम जब दूसरे पे स्टेप पे डिवाइडिंग ले जाते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर भी आपको बोर्ड में मार्क्स, अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते तो ना बर जो आपके कटने के ज़्यादा चांस, अगर एग्जामिनर का ध्यान यहाँ पे किया तो सिंपल। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमें क्या करना है। अभी जो ए है उसको क्या करना है, पुट करना है किसी में, हमें किसकी वैल्यू उसके बाद फाइंड करनी है, बी की फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप कौन सा भी जो इक्वेशन उसको ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन टू लेते, जो आपको इक्वेशन ईजी लगे उसको ही आप आगे लेके जाके सॉल्व कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट क्या ए इक्वल्स टू टू इन इक्वेशन टू सिंपल। तो क्या कर रही है यहाँ पे इक्वेशन टू लिख दीजिए एक बार। इसके बाद जो ए की वैल्यू है वो क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है क्या है, टू, यहाँ पे टू फाइव बी, यहाँ पे 22 इक्वल टू 22 के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू है, टू क्या करेंगे इसके बाद भेजेंगे यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ पे जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 5b इक्वल्स टू 22 माइनस 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 5b एज इट इज़ सिंपल। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 भेजेंगे डिवाइडिंग के लिए, तो 20 अपॉन 5 होगा, 5 के टर्म में 20 कितने टाइम पे आता है, 4 टाइम पे। तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 4। ओके यहाँ पे हमें देयर फोर का जो साइन है वो लगाते चलना है सिंपल। यहाँ पे हमें इस सब बॉक्स में कर देते हैं। और इसके बाद हम इसका लास्ट में सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज ए कॉमा बी। ओके सॉल्यूशन इज ए कॉमा बी कितना इक्वल्स टू ए, टू है बी फोर है, यहाँ पे 2, 4 सिंपल। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, आपको ऐसा लास्ट में करना है। तो हम यहाँ पे वापस से देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या किया। पहले हमने क्या किया, इक्वेशन लिखा सिंपल, यहाँ पे हमें दिया है साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो उसको हमने इक्वेशन टू इक्वेशन वन में लिया। बाद में हमने देखा कि ये दोनों साइन जो है सेम है, यहाँ पे 5 5 सेम है। तो क्या किया हमने, सब्सट्रैक्टिंग किया इसको, यहाँ पे नीचे का साइन जो है चेंज हो गया। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया सिंपली। उसके बाद किया हमने डिवाइड इसे, यहाँ पे ए का वैल्यू जो 2 मिल गया, बाद में ए का वैल्यू 2। ओके तो इसको हमने क्या किया, कौन से भी इक्वेशन में हम ले सकते हैं दोनों में से, तो उसमें हमने क्या किया इक्वेशन 2 लिया। तो उसमें हमने क्या किया, ए का वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, तो हमें बाद में क्या मिला, हमें 4 मिला। ओके उसके बाद हमने क्या किया, हमें ए और बी का वैल्यू मिल गया, तो सॉल्यूशन इस करके हमने ए बी इक्वल्स टू दिस लिख दिया। तो हमारे यहाँ पे ये पूरा सॉल्यूशन था वो हो गया। ओके यहाँ पे लेंथी है बट इजी है। चलिए सब क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे हमें सब क्वेश्चन 2 दिया गया है, x प्लस 7 वाई इक्वल्स टू 10, 3x माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 7। तो ओके पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स प्लस 7y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन फर्स्ट करते हैं इसे, हम यहाँ पे इससे इक्वेशन 2 करते हैं। ओके इक्वल्स टू 7, इक्वेशन 2 हो गया हमारा ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना, देखेंगे ये जो 3 है, यहाँ पे हम 3 अगर करते हैं, ओके तो ये जो 3 इक्वेशन 1 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों प्लस है तो सब्सट्रैक्टिंग करके क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा इसे कट कर देंगे, और सिंपली हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसके बाद वाई का वैल्यू, इसका वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो उसके बाद हमें इसमें पुट करके कौन से भी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ये जो 3 है मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। ओके यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे 3 एक्स प्लस 7 वाई इक्वल्स टू दिस 10। यहाँ पे क्या 3x हो जाएगा, 12 आएगा,
यहाँ पे क्या 7 3 ए प्लस का साइन, 7 3 21, यहाँ पे इक्वल 10 3 30। तो इसे हम क्या नया इक्वेशन दे देंगे। ओके, तो नया इक्वेशन हम क्या यहाँ पे इक्वेशन 3 कर देते। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 3x, यहाँ पे भी 3x। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, हम आगे लेके जाएंगे। ओके, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्टिंग कर देंगे। सब्सट्रैक्टिंग करेंगे तो यहाँ पे जो कट हो जाएगा दोनों 3x 3x। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, टू फ्रॉम 3 हो गया यहाँ पे 3, यहाँ पे सेम 2 ऐसे करना है, मैं से रोमन में लिखना। ओके, यहाँ पे हमने 2 कैसे लिखा, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले जो छोटा नंबर रहता है लास्ट में इक्वेशन के, जो हम यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन, उसका छोटा नंबर पहले इक्वेशन 2, और यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है इक्वेशन 3 का 30। ओके, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन 3 का जो पहला है यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे, इसको लिखते हैं पहले 3x+21y=30। सिंपल, इसके बाद इक्वेशन 2 लिखते 3x-2y=7। तो इसको क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्टिंग, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। देखिए यहाँ पे अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका हमेशा ऑपोजिट होता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे ये कट हो जाएगा। इसे हमें कट करके नहीं दिखाना, सिंपली यहाँ पे ऐसे हम 0 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ छोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस है 21+2 करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23y। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 में से 30 में से 7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो y 23 को हम यहाँ भेजेंगे, लिखेंगे देयरफॉर y=23/23, कितना हो जाएगा, 23 में से 23 जाएगा तो 1। ओके, तो हमें क्या मिल गया, वाई का जो वैल्यू है वो मिल गया, कितना है वैल्यू, वाई का वैल्यू 1 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पुट y=1 इन इक्वेशन, आप कौन से भी इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आप इसमें से कौन से भी जो इक्वेशन है वो ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इजी इक्वेशन को ले लेते हैं जिसे हम फटाक से सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सही रहेगा। यहाँ पे आप कौन सा भी इक्वेशन लो, जो आंसर है लास्ट में उसका जो सेम आएगा, बस यहाँ पे कुछ जो प्रोसेस सॉल्व करने का वो लेंदी हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे इक्वेशन क्या करते हैं, फर्स्ट लिखते हैं x+7y=10। सिंपल, x+7y=10, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिखा, उसके बाद वाई का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 7 × 1। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 ही रहेगा। यहाँ पे क्या क्या, 7 1 7 7 का टेबल वन और पढ़ेंगे तो 7। ओके, यहाँ पे =10। बाद में क्या होगा, जो 7 है यहाँ पे प्लस में यहाँ पे जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 10 - 7 करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स, तो कितना हो जाएगा, 10 - 7 3। तो हमें क्या, जो एक्स की वैल्यू है वो भी मिल गई। यहाँ पे हम देयरफॉर का साइन लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमने किसका वैल्यू निकाला, वाई और एक्स। तो लास्ट में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन इज x, y = यहाँ पे क्या, x का वैल्यू कितना है, 3 है, y का वैल्यू कितना है, 1। तो ओके, यहाँ पे इसका जो सिंपल सॉल्यूशन था वो हमने देखा। तो हमने इसमें क्या किया, पहले इसको हमने सेम करने के लिए पहले इसको इक्वेशन में पूरे जो 3 है वो मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमें क्या मिल गया, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट सेम, तो उसको हमने क्या सब्ट्रैक्ट करके कट कर दिया सिंपल। उसके बाद हमने क्या किया, इसका सिंपली सॉल्यूशन किया और वाई का वैल्यू निकाला, कि हमने ऐसे वाई को इसमें पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में, कौन से भी इक्वेशन में कर सकते हो। ओके,
यहाँ पे हमने उसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, एक्स का जो वैल्यू है वो मिला। तो हमने क्या सॉल्यूशन एक्स वाई का के लिखा 3,1। चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सब क्वेश्चन 3 देखते हैं। यहाँ पे हमें सब क्वेश्चन 3 में दिया गया 2x-3y=9, 2x+y=13। चलिए हम पहले से इक्वेशन में लिख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन ऐसे इक्वेशन 1 ऐसे इक्वेशन 2। ओके 2x-3y=9 इक्वेशन फर्स्ट, 2x+y=13 इक्वेशन 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे दोनों का 2x 2x, यहाँ पे 3y y। यहाँ पे अगर इसे हम सब्सट्रैक्टिंग कर दें तो यहाँ पे माइनस में ओके या क्या होगा, कट हो जाएगा। ओके तो हम क्या करेंगे, अब सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन। ओके पहले हम क्या करेंगे, छोटा वाला लिखेंगे इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट। ओके फ्रॉम किस में से, 2। सिंपल तो हम यहाँ लिखते हैं 2x+y=13, 2x-3y=9। ओके यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक कट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जब यहाँ पे क्या होगा, 3y+1y क्या होगा, 4y हो जाएगा। ओके यहाँ पे क्या होगा, माइनस, माइनस में क्या है, 13 में से 9 जाएगा कितना होगा, 4। तो मैं क्या होगा, जो y की वैल्यू रहेगी वो कितनी मिलेगी, 4/4 यहाँ पे 1। ओके y=1 सिंपल। चलिए हमें यहाँ पे से पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, लिखेंगे हम पुट y=1 इन इक्वेशन 2। ओके यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं 2x+y=13। यहाँ पे y का वैल्यू 1 प्लस दिस, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस में यहाँ पे जाएगा तो माइनस, मतलब -1 होगा। ओके यहाँ पे 13 में से -1 होगा कितना जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 तो 2 क्या करेंगे, हम वहाँ पे भेजेंगे तो 12 के नीचे 2, तो इसे हम डिवाइड करेंगे, हमें कितना मिल जाएगा, 6। तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो कितनी मिल गई, 6, और जो वाई की वैल्यू हो 1। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन इज x, y = x कितना, 6, y कितना, 1। ओके तो यहाँ पे हमारा इसका सिंपली थर्ड सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए सब क्वेश्चन 4 देखते हैं। सब क्वेश्चन 4 देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया 5m-3n=19, m-6n=-7। इसे हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, इसे इक्वेशन 2 करेंगे। ओके 5m-3n=19, दिस इज आवर व्हाट, फर्स्ट, एंड दिस इज m-6n=-7, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके देन व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्लस के सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे हमें 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 5 हो, ओके तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग के थ्रू यहाँ पे इसको हम काट सकते, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, अभी 5 में यहाँ पे इक्वेशन 2 में जो 5 है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन दिस सेकेंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड, ओके मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 5, सिंपल मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 5, देन राइट हियर 5 और इसे पूरा ब्रैकेट में लिखिए m-6n=-7। ओके देन दिस 5m
सिक्स फाइव ज़ा 30, दिस एन एंड दिस 7 फाइव ज़ा 35, ओके एंड माइनस 35, सिंपल दिस इज आवर विच इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ओके। यहाँ पे हमारा इक्वेशन 3 हो गया और यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1, ओके। हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल तो लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, यहाँ पे 35 माइनस 35, ओके, मतलब है माइनस में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले जो इक्वल के बाद छोटा नंबर रहता है उसको लिखते हैं, यहाँ पे माइनस 35 है और यहाँ पे क्या है 19 है, मतलब यहाँ पे माइनस में तो ये क्या होगा, ये छोटा होगा, तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन है, थर्ड। यहाँ पे हम इक्वेशन थर्ड, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन विच इक्वेशन दिस फर्स्ट, ओके। यहाँ पे हमारा थर्ड और फर्स्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला उसको हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19 एंड देन हम क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन लिखेंगे 5m माइनस 30n इक्वल्स टू माइनस 35, ओके। हम सब्सट्रैक्टिंग कर रहे थे, इसके नीचे हम इसका साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस है तो सॉल्व हो जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या है प्लस में, देन 30 में से क्या होगा 3 जाएगा, ये माइनस में तो क्या होगा प्लस में 27, ओके। यहाँ पे हम 27 एन लिखेंगे, इसके बाद क्या इक्वल, अब यहाँ पे हम ये 19 और ये क्या है 35 को एडअप करेंगे, यहाँ पे 9 प्लस 5 14 हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 कैरी, बाद में यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 4 और ये 1 5, ओके। यहाँ पे 1 है कैरी, यहाँ पे 54 हो गया, इसके बाद क्या करेंगे हम 27 को यहाँ भेजेंगे, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे देयरफॉर दिस 54 और 27 यहाँ पे आएगा, क्या 27 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो हम क्या आएगा, तो 54 आएगा, ओके। तो यहाँ पे हम इसे कट करेंगे यहाँ पे 2 टाइम पे, सिंपल। तो यहाँ पे जो हमें एन का वैल्यू है वो कितना मिल गया, एन इज इक्वल्स टू 2 मिल गया, ओके। तो ये वेरिएबल में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एम एन है, ए बी है, एक्स वाई है, ओके। यहाँ पे ये सब आपको वेरिएबल में दिए जा सकते हैं, ज़्यादा करके यहाँ पे हमें एक्स वाई और एम एन का यूज़ करना है, सिंपल। तो यहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से हम सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम पुट करेंगे, यहाँ पे हम कौन से भी तीनों इक्वेशन में से पुट करते हैं, उसके बाद हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, हम लोग को एम की वैल्यू मिलेंगे। हम तो यहाँ पुट करते लिखते पुट एन इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, ओके। तो यहाँ पे हम कौन सा इक्वेशन ले लेते, फर्स्ट ले लेते, सिंपल, जो हमें इजी लगे हम वहाँ पे इसको इजी से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो हमें वो जो इक्वेशन है लेना चाहिए, यहाँ लिखते हैं हम 5m माइनस 3n, पहले हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या करना है कॉपी करना है, उसके बाद क्या करेंगे एन के वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे 5m माइनस 3, यहाँ पे एन का वैल्यू 2 इक्वल्स टू 19, ओके। यहाँ पे 5m माइनस 3, 3 से पहले हम क्या कर देंगे, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे इक्वल्स टू 19, इसके बाद क्या ये जो माइनस 6 है यहाँ पे जाएगा, क्या होगा 19 से माइनस होगा, सिंपल। सब क्वेश्चन 4 देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, एम माइनस 6n इक्वल्स टू माइनस 7। इसे हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, इसे इक्वेशन 2 करेंगे, ओके। 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, दिस इज आवर व्हाट फर्स्ट एंड दिस इज m माइनस 6n इक्वल्स टू माइनस 7, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ओके। देन व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्लस के सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे हमें 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 5 हो, ओके, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग के थ्रू यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं,
सिंपल। तो हम क्या करेंगे अभी फाइव में, यहाँ पे इक्वेशन टू में ये जो फाइव है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन दिस सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड, ओके मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय फाइव, सिंपल मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय फाइव, देन राइट हियर फाइव और इसे पूरा ब्रैकेट में लिखिए m माइनस सिक्स एन इक्वल्स टू माइनस सेवन, ओके देन दिस फाइव एम सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, दिस n एंड दिस सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव, ओके देन माइनस थर्टी फाइव, सिंपल दिस इज आवर विच इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ओके यहाँ पे हमारा इक्वेशन थ्री हो गया और यहाँ पे हमारा इक्वेशन वन, ओके हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल तो लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, यहाँ पे थर्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव, ओके मतलब है माइनस में, यहाँ पे हम क्या करते हैं पहले जो इक्वल के बाद छोटा नंबर रहता है उसको लिखते हैं, यहाँ पे माइनस थर्टी फाइव है और यहाँ पे क्या है नाइनटीन है, मतलब यहाँ पे माइनस में तो ये क्या होगा, ये छोटा होगा, तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन है थर्ड, यहाँ पे हम इक्वेशन थर्ड सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन विच इक्वेशन दिस फर्स्ट, ओके यहाँ पे हमारा थर्ड और फर्स्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे जो फर्स्ट वाला उसको हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फाइव एम माइनस थ्री एन इक्वल्स टू नाइनटीन एंड देन हम क्या करेंगे ये वाला इक्वेशन लिखेंगे फाइव एम माइनस थर्टी एन इक्वल्स टू माइनस थर्टी फाइव, ओके हम सब्सट्रैक्टिंग कर रहे थे इसके नीचे हम इसका साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या है माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ओके अब हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस है तो सॉल्व हो जाएगा, ओके यहाँ पे क्या है प्लस में देन थर्टी में से क्या होगा थ्री जाएगा, ये माइनस में तो क्या होगा प्लस में ट्वेंटी सेवन, ओके यहाँ पे हम ट्वेंटी सेवन एन लिखेंगे, इसके बाद क्या इक्वल, अब यहाँ पे हम ये नाइनटीन और ये क्या है थर्टी फाइव को एडअप करेंगे, यहाँ पे नाइन प्लस फाइव फोर्टीन हो जाएगा फोर, यहाँ पे वन कैरी, बाद में यहाँ पे थ्री और यहाँ पे वन फोर और ये वन फाइव, ओके यहाँ पे वन है कैरी, यहाँ पे फिफ्टी फोर हो गया, इसके बाद क्या करेंगे हम ट्वेंटी सेवन को यहाँ भेजेंगे, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे देयर फोर दिस फिफ्टी फोर और ट्वेंटी सेवन यहाँ पे आएगा, क्या ट्वेंटी सेवन का टेबल टू टाइम पढ़ेंगे तो हम क्या आएगा तो फिफ्टी फोर आएगा, ओके तो यहाँ पे हम इसे कट करेंगे यहाँ पे टू टाइम पे, सिंपल तो यहाँ पे जो हमें एन का वैल्यू है वो कितना मिल गया एन इज इक्वल्स टू टू मिल गया, ओके तो ये वेरिएबल में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एम एन है ए बी है एक्स वाई है, ओके यहाँ पे ये सब आपको वेरिएबल में दिए जा सकते हैं, ज़्यादा करके यहाँ पे हमें एक्स वाई और एम एन का यूज़ करना है, सिंपल तो यहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से हम सॉल्व करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे इसे हम पुट करेंगे, यहाँ पे हम कौन से भी तीनों इक्वेशन में से पुट करते हैं उसके बाद हमें किसके वैल्यू मिलेगी हम लोग को एम की वैल्यू मिलेंगे, हम तो यहाँ पुट करते लिखते पुट एन इक्वल्स टू टू इन इक्वेशन, ओके तो यहाँ पे हम कौन सा इक्वेशन ले लेते फर्स्ट ले लेते, सिंपल जो हमें इजी लगे हम वहाँ पे इसको इजी से सॉल्व कर सकते हैं, ओके तो हमें वो जो इक्वेशन है लेना चाहिए, यहाँ लिखते हैं हम फाइव एम माइनस थ्री एन, पहले हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या करना है कॉपी करना है, उसके बाद क्या करेंगे एन के वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे फाइव एम माइनस थ्री, यहाँ पे एन का वैल्यू टू इक्वल्स टू नाइनटीन, ओके यहाँ पे फाइव एम माइनस थ्री, थ्री से पहले हम क्या कर देंगे इसको टू को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, ओके यहाँ पे इक्वल्स टू नाइनटीन, इसके बाद क्या ये जो माइनस सिक्स है यहाँ पे जाएगा क्या होगा नाइनटीन से माइनस होगा, सिंपल माइनस सिक्स यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा ये प्लस होगा,
ओके, यहाँ पे माइनस यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे हम 5m इक्वल्स टू 19 माइनस, सॉरी माइनस यहाँ पे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये 6। ओके, तो हम क्या करेंगे, 19 प्लस 6 करेंगे तो हमें 25 मिलेगा और यहाँ पे 5m। उसके बाद क्या, यहाँ का जो 5m इसे डिवाइड के लिए भेज देंगे 25। ओके, यहाँ पे 25 अपॉन 5 करेंगे तो ये क्या 5 5 25 होता है। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर देंगे और हमारा जो m का वैल्यू है वो हमें मिल गया है। ओके, तो हमने यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू फाइंड किया अभी m और n का, तो हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे किया वापस से समझते हो, लास्ट में आंसर लिखते हो। ओके, तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन में इन दोनों को कन्वर्ट किया। यहाँ पे क्या किया हमने, इसको इक्वेशन 1 माना और इसको इक्वेशन 2। उसके बाद क्या किया हमको, यहाँ पे इसको सेम करने के लिए जिसके थ्रू हम क्या करें सब्ट्रैक्टिंग करके इसे हम सॉल्व कर सके, तो हमने क्या किया यहाँ पे जो 5 का इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किया। हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। तो हमने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन एक नया इक्वेशन बनाया, इक्वेशन 3 बनाया हमने। ओके, बाद में सब्सट्रैक्ट। सब क्वेश्चन 5 देखते हैं, यहाँ पे हमें सब क्वेश्चन 5 में दिया गया है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 3 और x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। ओके, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे 5x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 3, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस x प्लस 5y इक्वल्स टू 4, दिस इज आवर इक्वेशन 2। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को सिमिलर करेंगे जैसे हमने अभी पिछले सम में किया था। तो ओके, यहाँ पे हम 5 को इस इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 5। ओके, तो यहाँ पे हम इसका इक्वेशन पहले लिखते हैं, यहाँ पे पहले 5 लिखते हैं 5 और यहाँ पे पूरा इक्वेशन 2 का x प्लस 5y इक्वल टू 4, यहाँ पे 5x हो जाएगा इनका और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा 25y हो जाएगा और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा इक्वल टू 5 4 20। तो ओके, तो यहाँ पे हमें कौन सा नया इक्वेशन मिल चुका है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर हम इसे 3 दे देते सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, यहाँ पे बार प्लस और प्लस का साइन है तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस होगा तो हम यहाँ पे इसको सिंपली कट कर सकते हैं। ओके, यहाँ लिखेंगे अब हम सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द सम्स हमें दिए गए वो सब सेम है, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, यहाँ पे पहले क्या करेंगे हम छोटा नंबर देखेंगे, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे क्या है माइनस 3। तो ओके, तो हम यहाँ पे इक्वेशन जो फर्स्ट लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, यहाँ पे हम जो पहले लास्ट में लिखते हैं उसे हम कहाँ पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 25y इक्वल टू 20 और इसके बाद फर्स्ट वाला 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3। ओके, तब अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्टिंग है तो क्या होगा प्लस प्लस का, यहाँ पे इसका साइन का क्या होगा माइनस में हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या दिया गया, प्लस दिया गया। ओके, कुछ नहीं तो प्लस, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे प्लस दिया गया इसका भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा प्लस। ओके, यहाँ पे आपको साइन चेंजेस टाइम करने पे ध्यान देना है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये सिंपली कट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में मतलब 25 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 23y हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे प्लस हो गया 20 में क्या होगा, अभी 3 प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हम करेंगे, हम वाई वहाँ बेच के जो वाई की वैल्यू है, यहाँ पे 23 बेच के हम क्या करेंगे वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे इसे अब हम डिवाइड करेंगे,
23 वन ज़ा 23 ओके। यहाँ पे हमें क्या होगी, आई की वैल्यू मिल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट करेंगे कौन से भी इक्वेशन में। ओके, यहाँ पे हमें कौन सा इक्वेशन में पुट करना देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमें इजी लगे सबसे, यहाँ पे देखेंगे हम जो 2 है उसमें ना नेगेटिव माइनस का साइन नहीं है, हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में ये करते लिखेंगे पुट दिस वाई इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में करेंगे हम, दूसरे। ओके, तो यहाँ पे हम जो इक्वेशन है पहले वो लिख लेते हैं, एक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू 4। यहाँ पे हम y का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे देयर फॉर, यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे y का वैल्यू कितना 1 और यहाँ 4। ओके, यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 वन ज़ा 5। ओके, यहाँ पे ये 4। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे प्लस 5 है वो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस 5 में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे देयर फॉर x इक्वल टू ये प्लस 5 वहाँ जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ। ओके, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे जो प्लस का साइन है क्या होगा, वो माइनस में हो जाएगा। ओके, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जाएगा माइनस में। यहाँ पे 4 माइनस 5 करेंगे तो जो बड़ा नंबर रहता है उसका साइन क्या होता है, हमेशा नीचे आता है। ओके, अगर यहाँ पे 4 की जगह 10 रहता तो जो यहाँ पे इसके पास साइन है माइनस का, माइनस होता, बट यहाँ पे बड़े नंबर का साइन जाता नीचे। बट यहाँ पे जो 5 है ये बड़ा है 4 से। ओके, यहाँ पे जो बड़े नंबर का साइन है वो नीचे जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम, इसे माइनस करेंगे क्या, 4 में से 5 जाएगा तो हो गया 1 होगा। यहाँ पे माइनस बड़े नंबर के पास साइन है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। तो हमें जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो हमें मिल गई। तो यहाँ हम लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर, इसका लिखेंगे सॉल्यूशन इज, ओके, एक्स कॉमा वाई। हमें क्या गया, एक्स और वाई दिया गया। अगर मैं यहाँ पे एम दिया रहता, एन दिया रहता, तो एम कॉमा एन लिखते। ओके, यहाँ पे जो वेरिएबल दिए जाएंगे उनको ही हमें लिखना है। यहाँ पे हमें एक्स क्या मिला, माइनस 1 मिला, और वाई क्या मिला, 1 मिला। ओके, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो गया हमारा, सब क्वेश्चन 5 था। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या क्या किया देख लेते वापस से। हमने यहाँ पे सिमिलर दिया था, हमने क्वेश्चन सब क्वेश्चन 4 देखा था, वैसे ही हमने क्या यहाँ पे पहले देखा यहाँ पे कि जो अगर हम यहाँ पे 5 लाते तो हमें सबट्रैक्टिंग के थ्रू से हटा के पटाक से हमें इसे वैल्यू फाइंड कर सकते। ओके, तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 2 में 5 का, जिससे हमें जो 5 है इसमें मिल गया। तो हमने क्या किया, बाद में सबट्रैक्टिंग करके यहाँ पे इसका साइन चेंज किया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो प्लस। बाद में इसे हमने सॉल्व किया तो हमने y की वैल्यू मिल गई 1। यहाँ पे बाद में हमने क्या किया, y की वैल्यू मिलने के बाद हमने क्या किया, जो y हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में किया। उसके बाद पुट करने का इसके सॉल्व किया तो हमें क्या, x की जो वैल्यू है वो मिली, ओके, माइनस 1। उसके बाद हमने लास्ट में लिख दिया सॉल्यूशन इज एस कॉमा 1 इक्वल्स टू माइनस 1 कॉमा 1। ओके, तो यहाँ पे इसका लास्ट में आपको सबका सॉल्यूशन ऐसे ही लिखना है, सिंपल। यहाँ पे अगर आप बॉक्स बनाते हैं तो जो एग्जामिनर है उसे और अच्छा लगेगा, उसे लगेगा कि बच्चे ने काफ़ी मेहनत की है। तो चलिए ऐसे हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं, सब क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें सब क्वेश्चन 6 जो कुछ हमें ऐसा अपॉन में दिख जाएगा, ये थोड़ा हार्ड टाइप है बट ये हार्ड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो इसका शॉर्टकट है मैं आपको बताता हूँ, उसके थ्रू आप कैसे सॉल्व इजीली कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जो 3 1/3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे जो नीचे हम लिखेंगे क्या कॉमन है 3। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड में 3, तो हम क्या करेंगे, जो पूरा इक्वेशन है इसे हम इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे, और इसे इक्वेशन 2, इसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि दोनों का जो यहाँ पे अपॉन में इसे हम कैसे हटाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/3, यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसे सॉल्यूशन में इजी होगा, यहाँ पे हम इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 देते।
वन अपॉन फोर वाई इक्वल्स टू 11 अपॉन फोर। ओके, यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया। सिंपली इसके बाद क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे इसके बाद इसको लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 3 इंटू 1 अपॉन 3x। ओके, इसके बाद प्लस का साइन आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इसको हमने क्या किया है, इस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद लिखना 3x, 3 इंटू यहाँ पे y के साथ किया हमने, और उसके बाद क्या, यहाँ पे हम 3 इंटू 10 अपॉन 3। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो पूरा इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे 3 a 3 एक कट रहा है। ओके, तो यहाँ से 3 3 चले जाएगा, यहाँ पे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे a 3 और a 3 क्या होगा, यहाँ पे भी एक कट रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। तो उसके बाद जो हमें इक्वेशन मिलता है, तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, 1x बचा, मतलब सिंपली हम यहाँ पे x लिख देंगे। उसके बाद ये प्लस का साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 3 3y हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 3 कट हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 10। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, नया इक्वेशन मिल गया। तो इसे हम नंबर दे देते हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो इसके साथ भी हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन, क्या लिखेंगे, सेकेंड बाय 4। ओके, यहाँ पे लिखते मल्टीप्लाई इक्वेशन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, हम यहाँ पे शॉर्टकट में आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बट यहाँ पे आप जब बोर्ड के पेपर में लिखते हो जो इक्वेशन, इसे आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 3, यहाँ पे हमने इसका किया। ओके, सेकंड क्या लिखते हैं, इक्वेशन टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे करेंगे, यहाँ पे जो जिसे हमें हटाना है, किसे हटाना है, 4 को हटाना है। ओके, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद हम 4 यहाँ पे जो इक्वेशन पहले इसको एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे 2x। ओके, प्लस जैसे हमने यहाँ पे किया था, और उसके पहले क्या लगा देंगे, जिसे हमें हटाना है, कौन है, 4 है। ओके, तो यहाँ पे हम 4 को क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे वापस से लिखेंगे 4 इंटू 1 अपॉन 4 वाई, यहाँ पे वापस से 4 इंटू 1 अपॉन 4, यहाँ पे 11 अपॉन 4 है। ओके, तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करने के बाद हमें नया इक्वेशन मिलेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 इंटू 2, ओके, 8 दिस एक्स, देन 4 4 विल गेट कैंसिल, यहाँ पे 1y बचा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे y, मतलब सिंपली y लिख देंगे हम, जैसे यहाँ पे हमने x लिखा था। और इसके बाद यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे 4 और ये 4 कट, यहाँ पे हमें नया इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन नंबर हम यहाँ पे 3 के बाद 4 देते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद हमें ये दो इक्वेशंस मिले, दिस थर्ड एंड दिस फोर्थ। ओके, तो हम आगे इसके साथ ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और इसका ये सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं नीचे एक साइड में इक्वेशन 3 को। ओके, यहाँ पे हमें जो सॉल्व करने में क्वेश्चन को इजी होगा, और क्या क्वेश्चन में करना है हमें वो समझेगा। सिंपल, हमने यहाँ पे इसको इजी करने के लिए यहाँ पे नीचे लिया। तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो 3 देखेंगे, इस अगर हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 4 में 3 को, तो क्या यहाँ पे ये सेम होगा, और दोनों प्लस में, तो हम सब्ट्रैक्टिंग करके हर बार की तरह जो हमारा क्वेश्चन आगे का है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई विच इक्वेशन, दिस इक्वेशन 4 बाय 3। ओके, तो हम यहाँ करें तो पहला इक्वेशन लिख लेते हैं, 8x + y = 11, और यहाँ पे 3। ओके, देन 8 3 = 24, यहाँ पे x, और यहाँ पे 3y इक्वल्स टू दिस 11 3 = 33। ओके, तो हम यहाँ पे नया इक्वेशन, तो इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन, यहाँ पे 4 के बाद 5, फिफ्थ इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, तो
तो अब हम क्या करेंगे, हम कौन कौन सा इक्वेशन जो आगे कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन के लिए। तो सिंपल एक हमारा ये जो हमने अभी निकाला है, और ये हमारा ये थर्ड वाला। ओके, तो यहाँ पे हम तो इसको अब कंटिन्यू करेंगे और आगे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 3 और 4 5 1 लिख दिया। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग, इक्वेशन यहाँ पे हम किस में से किसको निकालेंगे देखते हैं। जो छोटा वाला नंबर रहेगा उसको पहले यहाँ पे 3 लिख देंगे। ओके, और यहाँ पे बड़ा नंबर फ्रॉम करके 5th, सिंपल। तो यहाँ पे 5th वाला हम जो है पहले लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 24x+3y=33x+3y=10। ओके, यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चेंजेस हम करने क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, तो जो साइन हम चेंज करेंगे यहाँ पे जो 24 का यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे एक नीचे बड़ी सी लाइन मारते हैं। तो सिंपली अब इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या 24 मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स के साथ कौन है 1 है, यहाँ पे 24x-1x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23x हो जाएगा। ओके, यहाँ पे तो सिंपली एक कट हो जाएगा, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे यहाँ पे -3y और यहाँ पे 3y। ओके, यहाँ पे हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या हम यहाँ पे 10 में से क्या करेंगे 33 निकालेंगे, 33 में से 10 जाएगा तो हमें कितना मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे 23। उसके बाद हम क्या करेंगे, देयरफॉर लिख के एक्स और यहाँ पे जो है 23 डिवाइडिंग के लिए भेजेंगे राइट हैंड साइड में। यहाँ पे इसके साथ हम डिवाइड करके क्या करेंगे, जो ये हमारा एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ओके, देयरफॉर पे डिवाइड, यहाँ पे हमको 1, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे कौन से भी इक्वेशन में। देखिए समझिए, जो स्टार्टिंग से लेके इक्वेशन हमें अभी तक मिले, ओके, अगर हम किस में भी पुट करते हैं एक्स की वैल्यू 1, तो जो आंसर है हमारा क्या है वाई का, वो सेम आएगा सब में, सिंपल। तो यहाँ पे मैं आपको कौन सा भी, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको थर्ड इक्वेशन, हम थर्ड इक्वेशन में करते और आप फिफ्थ में भी करके देखिए, जो हमारा वाई का वैल्यू है सब सेम आएगा सब में। यहाँ पे इसके बाद हम लिखेंगे पुट। ओके, पुट क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1 कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन, यहाँ पे हम थर्ड में करते हैं, इक्वेशन थर्ड लिख देते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस 3y=10। ओके, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पहले पुट करते हैं, यहाँ पे 1 हमें, यहाँ पे 3y और यहाँ पे 10 है, सिंपल। तो यहाँ पे जो 1 है हम क्या करेंगे, वहाँ भेजेंगे, यहाँ पे क्या है प्लस में, तो वहाँ पे क्या जाएगा होगा माइनस में हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देर पाउंड का साइन लगा देते हैं, यहाँ पे 3y=10 क्या होगा, 10-1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 10-1 क्या होगा, 9 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 9 के बाद हम क्या करेंगे, जो 3 है हम यहाँ पे डिवाइडिंग के लिए राइट हैंड साइड में भेजेंगे, सिंपल। यहाँ पे क्या ये जाएगा, देयरफॉर करेंगे हम y=9/3, 3×3=9 होता है। ओके, तो हमें क्या हो गया, वाई का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, सिंपल। यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन में जो एक्स का वैल्यू है उसको आप पुट करते तो आपको जो वाई का वैल्यू वो 3 ही मिलता। ओके, तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे सॉल्यूशन इज x, y=, हमें एक्स का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला, यहाँ पे 1 और वाई का वैल्यू 3। ओके, यहाँ पे हम ऐसा करेंगे। तो एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करा देता हूँ कि हमने जो स्टेप्स कैसे सॉल्व किया था हमने यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे हमें पहले अपॉन में क्वेश्चन मिला था, उसके बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ पे 3 है, 3 का इसी इक्वेशन में पहले मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 4 था तो इसी इक्वेशन में हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई किया। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है,
सिंपल। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई फोर करने के बाद ये जो दो हमें मेन इक्वेशंस मिले थे उनको सॉल्यूशन के लिए लिया। तो वहाँ पे हमने क्या देखा, वहाँ पे हमने क्या किया, ये जो हमें यहाँ पे जो नंबर था एक को ही सेम करना था, ओके। तो हमने क्या किया, ये जो थ्री है इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद हमें लास्ट में ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मिला। तो अब उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन किया हमने। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका सब्सट्रैक्टिंग किया दोनों इक्वेशन का, लिखा इक्वेशन थ्री, ओके, यहाँ पे छोटा नंबर था इसलिए, फ्रॉम बड़े वाले में से, ओके। तो यहाँ पे हमने बाद में दोनों इक्वेशन लिखा, फिफ्थ वन और थर्ड वन। उसके बाद यहाँ पे इसका हमने साइन चेंज किया, बाद में से हमने सॉल्व करके हमें जो एक्स का वैल्यू था वो वन मिला, ओके। यहाँ पे हमने बाद जो एक्स का वैल्यू उसे पुट किया, यहाँ पे हम कौन से भी इक्वेशन, यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन थ्री लिया। इक्वेशन थ्री में क्या किया, जो एक्स का वैल्यू उसको पुट किया, बाद में उसका सॉल्यूशन किया, तो हमें बाद लास्ट में वाई का वैल्यू क्या, थ्री मिल गया, ओके। यहाँ पे हमने लास्ट में सॉल्यूशन लिख दिया, जो हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं, सब क्वेश्चन नंबर सेवन। यहाँ पे सब क्वेश्चन सेवन देखते हैं हम। यहाँ पे सब क्वेश्चन में सेवन में दे गया है 99 एक्स प्लस 101 वाई इक्वल्स टू 499, और यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में दिया 101 एक्स प्लस 99 वाई इक्वल्स टू 501, ओके। यहाँ पे देखो एक इसका ट्रिक है, अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते दोनों इक्वेशन को लेके, यहाँ पे आप इसको मैच करने की कोशिश करते वहाँ पे उसको, ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व नहीं होता, समझे आप, जो क्वेश्चन का एक ट्रिक है। तो यहाँ पे जो ट्रिक है हमें कब कब यूज़ करना है, कौन से टाइप के क्वेश्चन पर यूज़ करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे समझ लिए सी इक्वल टू ज़ीरो, ओके, यहाँ पे ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बी प्लस यहाँ पे ए वाई प्लस सी, तो आपको सिंपली अगर यहाँ पे ए मैच मिलता है और यहाँ पे बी भी, ओके, यहाँ पे भी, तो मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन में क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ, देखते हैं मैच होता है कि नहीं। यहाँ पे 499, ओके, यहाँ पे 101 एक्स प्लस 99 वाई इक्वल्स टू 501। तो यहाँ पे क्या हमें देखेंगे, जो 101 और 599, तो यहाँ पे दोनों क्या है, सिमिलर क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं, ओके, यहाँ पे आपको ये अदर स्टेप ले तो नहीं सॉल्व होगा। यहाँ पे इसकी जो ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को पहले हम एडिंग करेंगे सिंपल, बाद में उससे एक इक्वेशन हमें मिलेगा, ओके। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इसका एडिंग करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन का इसी का क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग करेंगे सिंपल। तो इसका सब्सट्रैक्टिंग करने के बाद भी एक और इक्वेशन मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन। तो उसको क्या करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो कौन सा उसमें एडिंग सब्सट्रैक्टिंग करना है उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा, चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, इसका एडिंग करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग करेंगे। लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे हम सिंपली जो इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं, 99x प्लस 101 वाई इक्वल्स टू 499, 101x प्लस 499 वाई इक्वल्स टू 501, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड अप करते 99x 101x, ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 200, और यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, सेम यहाँ पे 200x और यहाँ पे 200y, ओके, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1000।
ओके यहाँ पे 910 एंड दिस कैरी होगा वन उसका, यहाँ पे 10 हो जाएगा, वापस से वन कैरी होगा 549, यहाँ पे वन बाद में वापस से 10। ओके सिंपल। तो इसे हम क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे जो 200 है और यहाँ पे जो 200 है, ओके तो हम क्या करेंगे इसको कॉमन कर लेंगे, बाहर लेंगे। यहाँ पे 200 200 क्या करते हैं हम बाहर लेते हैं, और ये जो एक्स और प्लस वाई इसे हम क्या करते हैं यहाँ पे अंदर रखते हैं, एक्स प्लस वाई। ओके यहाँ पे क्या 10 1000 सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम इसे डिवाइडिंग के लिए भेजते तो इसे वापस से डिवाइडिंग के लिए भेजेंगे, यहाँ पे हमें 200 को वहाँ भेजना है, यहाँ पे देयर फॉर का साइन लगा देते। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ओके यहाँ पे क्या 0 0 दिस 0 एंड दिस 0 क्या 2 5 10, तो हमें इक्वेशन मिला यहाँ पे 5 है। ओके यहाँ पे हमें यहाँ पे एक नया इक्वेशन मिला, क्या इक्वेशन मिला हमें लिखते एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमें क्या मिला यहाँ पे 5। ओके तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं इक्वेशन 3। ओके इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके यहाँ पे हम इसे बॉक्स में पहले लिख दे बना देते हैं सिंपल, यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन। यहाँ पे हम देखते हैं जो बड़ा नंबर कौन सा है ऊपर, यहाँ पे 501। ओके यहाँ पे हम नेक्स्ट में लिखेंगे, यहाँ पे पहले 499 से फर्स्ट, और यहाँ पे फ्रॉम क्या होगा 501 इक्वेशन 2। उसके बाद हम ये वाला जो इक्वेशन 2 उसे क्या करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे पहले 101 एक्स प्लस 99 वाई इक्वल्स टू 501। एंड में आप ऊपर नीचे ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे तो आपको एंड करना रहता है, बट यहाँ पे क्या करना रहता है सब्ट्रैक्टिंग में आपको ऐसे लिखना है फॉर्मेट वाइज यहाँ पे। ओके यहाँ पे भी आपको ऐसे इसमें मार्क्स है सिंपल। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे 99 एक्स प्लस 101 वाई इक्वल्स टू 499 सिंपल। यहाँ पे क्या करेंगे हम इसे सब्ट्रैक्टिंग में इसका साइन चेंज करेंगे, पहले यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ओके यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम 101 में से 99 निकालेंगे क्या होगा 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 2x, और यहाँ पे 101 क्या है 99 से बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, सॉरी यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा सिंपल। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा। ओके यहाँ पे इक्वल टू 501 में से 499 जाएगा तो कितना मिलेगा हमें 2। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने क्या किया था 200 को कॉमन लिया था, यहाँ पे भी 2 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 को बाहर लेते 2, यहाँ पे x माइनस y लिखते। ओके यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 को यहाँ पे लेके जाएंगे हम डिवाइडिंग के लिए, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखते, यहाँ पे भी देयरफॉर का साइन लिखते, यहाँ पे 2 अपॉन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे हमें क्या होगा एक नया इक्वेशन मिलेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1, यहाँ पे इक्वेशन नंबर डालेंगे हम, यहाँ पे हमने क्या किया था 3 किया था तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 4। ओके तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, नया इक्वेशन हमें मिल गया, यहाँ पे हम इसे बॉक्स में कर देते हैं सिंपल। अब हम इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ओके यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशन लिख दिया 3 और 4, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एडिंग करेंगे, तो ये दोनों जो साइन है वो कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से प्लस माइनस में, अगर यहाँ पे क्या रहता प्लस रहता पूरा तो क्या करते हम सब्सट्रैक्टिंग करते। ओके यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ओके यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिखते एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। ओके यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते, यहाँ पे क्या होगा एक्स और एक्स क्या हो जाएगा एक्स 2x हो जाएगा। ओके
यहाँ पे 2x लिखेंगे, यहाँ पे क्या है प्लस में, यहाँ पे माइनस में, ये सिंपली कट हो जाएगा। और यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, क्या 5 1 6 हो जाएगा। ओके यहाँ पे क्या है, उसके बाद x क्या होगा, यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे डिवाइडिंग में जाएगा 6/2। कितना हमें जो x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को पुट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पुट x इक्वल टू 3। ओके इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में हम करते हैं, थर्ड वाले में इन इक्वेशन। यहाँ पे देखिए माइनस से यहाँ पे प्लस, तो सिंपली हम वहाँ पे जाके माइनस करके सर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन थर्ड लिखते हैं। ओके यहाँ पे हम इसके बाद क्या लिखते हैं, थर्ड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिला है 3, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे 3 है इसे यहाँ पे प्लस में, तो वहाँ पे जाएगा माइनस में हो जाएगा। ओके यहाँ पे पहले देर 4 का साइन लगाते थे, यहाँ पे y इक्वल्स टू 5 माइनस 3। यहाँ पे 5 माइनस 3, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। ओके तो y का जो वैल्यू हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया, सिंपल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन इस क्या है, लिखेंगे x कॉमा वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे x कितना है 3 है हमें, और y कितना मिला है 2। ओके यहाँ पे हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो एक बार ये डिफरेंट क्वेश्चन था, एक बार वापस से देखते हैं हमें इसको कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे हमने पहले क्या देखा, यहाँ पे जो x, यहाँ पे ये x और ये y, यहाँ का 99 और यहाँ का 99 क्या है, सेम है। ओके ये क्वेश्चन को ऐसे पहचाना जाता है। और यहाँ पे 101 और 10 क्या है, सेम है। तो हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग का। पहले हम इन दोनों इक्वेशन में लिखे, उसके बाद हमने क्या किया, इसका एडिंग किया। और एडिंग करने के बाद हमें यहाँ पे नया इक्वेशन है उसे हमने 3 लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सब्सट्रैक्टिंग किया। अब सब्सट्रैक्टिंग में हमें क्या, यहाँ पे नया इक्वेशन मिला। ओके तो यहाँ पे हमने उसके बाद क्या किया, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को सॉल्यूशन किया यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे हमने इसका क्या किया, एडिंग किया। ओके यहाँ पे एडिंग करने के बाद हमें क्या, जो x की वैल्यू है वो मिली, उसको हमने पुट किया यहाँ पे, कौन से इक्वेशन में किया हमने, इक्वेशन 3 में किया। ओके तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो यहाँ पे y की वैल्यू, उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपली इसका सॉल्यूशन है वो लिखा। ओके तो यहाँ पे अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको पहले एडिंग करना है उसके बाद सब्सट्रैक्टिंग करना है। ओके यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का ऐसा ही सॉल्यूशन है। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट सब क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट सब क्वेश्चन देखते हैं, सब क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें दिया गया 49x - 57y = 172। ओके तो यहाँ पे हम इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करते हैं और इसे इक्वेशन 2। यहाँ पे हम लिखते हैं इसको 49x - 57 y = 172 इक्वेशन फर्स्ट, और इसे इक्वेशन 2 करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गया। ओके तो यहाँ पे क्या, हमें वापस से ऐसा ही कुछ सिमिलर एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग का जो रूल है उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन वापस से मिला। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या है वापस से। यहाँ पे ये देखिए 49 और ये 49 बहुत सेम, यहाँ पे 57 और यहाँ पे 57। ओके तो यहाँ पे भी हम कौन सा वही रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा रूल, ऐड का और कौन सा सब्सट्रैक्ट का। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा और हमें यहाँ पे एक इक्वेशन, दोनों को लेके हमें सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो निकालना है। ओके तो चलिए इसे हम पहले करते एडिंग। इक्वेशन फर्स्ट एंड ओके यहाँ पे हम ऐसे रोमन में लिखते फर्स्ट एंड सेकंड, सिंपल। तो यहाँ पे अब हमें हमको ए दोनों लिखना। इक्वेशन यहाँ पे 49x - 57y
इक्वल्स टू 172 और यहाँ पे 57 माइनस 49 इक्वल्स टू 252। ओके, यहाँ पे हम इसे ऐड अप करेंगे, 97 ऐड करेंगे तो 6। ओके, यहाँ पे लाइन कर देते, यहाँ पे एक्स 976 वन कैरी 5 और ए यहाँ पे 10, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम होगा, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 4 4 2 2 4 करते, 7 5 कितना हो जाएगा, कितना हमें यहाँ पे मिल जाएगा, 12 12 का यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 कैरी और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, 106 और 106 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे 106 और एक्स माइनस वाई को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, सिंपल। यहाँ पे 4 2 4 ये 106 क्या होगा, डिवाइड में जाएगा वहाँ पे, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 2 4 अपॉन 106। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसका टेबल 106 का कितने टाइम टेबल पढ़ते हैं, 4 टाइम। ओके, यहाँ पे 6 4 था 24, यहाँ पे बाद में 4 1 4, तो यहाँ पे क्या है, 4 के 4 टाइम से जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे x माइनस y लिखेंगे, देयरफॉर इक्वल टू 4। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमारा थर्ड इक्वेशन। ओके, 1 2 हमने किया था ऊपर, यहाँ पे हमें थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्टिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो यहाँ लिखते हैं हम सब्सट्रैक्टिंग, इक्वेशन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा और छोटा, यहाँ पे इक्वेशन ये छोटा है तो नीचे पहले पे आएगा और फ्रॉम के बाद क्या आएगा, इक्वेशन टू। ओके, तो यहाँ लिखेंगे अब सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड वाला पहले लिखेंगे, 57x माइनस 47y इक्वल्स टू 252 और यहाँ पे 59x माइनस 57y इक्वल्स टू 172। ओके, यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे इसे 1 ऐड अप करेंगे, तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे 57, तो यहाँ पे क्या 8x। ओके, यहाँ पे लाइन मार देते, सिंपल। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसका साइन बदल देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे नहीं दिया मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 57 माइनस 49 होगा, यहाँ पे छोटा साइन इसलिए नहीं आएगा, छोटा नंबर है, यहाँ पे बड़ा नंबर है, प्लस 57 को 57 का साइन आएगा प्लस, और यहाँ पे 57 माइनस 49 क्या 8x, और यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, बड़ा नंबर किसके पास है, 57 के पास, मतलब यहाँ पे इसका साइन हमने बदला ना अभी सब्ट्रैक्टिंग के थ्रू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे 8y। ओके, और इसके बाद हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 252 माइनस 172, यहाँ पे ये 22 क्या हो जाएंगे, 0। ओके, और यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, 57, तो यहाँ से 1 कैरी मतलब 15, और 15 में से क्या होगा, 7 जाएगा, तो 7 जाएगा यहाँ का 3 वहाँ का 5, तो वो 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो 1 1 0, तो 0। ओके, यहाँ पे हमें ये हमने इसका फिर सॉल्यूशन क्या, इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर कॉमन लिया था, यहाँ पे भी कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे ये 8 यहाँ पे 8। ओके, पे देयरफॉर का साइन, यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस यहाँ का साइन y इक्वल्स टू यहाँ पे 80 हो गया, यहाँ का पहला 0 नहीं लिखेंगे, सिंपल। यहाँ पे क्या 8 जो है वहाँ पे भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में तो वहाँ पे डिवाइड, तो लिखेंगे x प्लस y इक्वल्स टू 80 अपॉन 8। ओके, 8 8 1 सा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें जो x प्लस वाई के वैल्यू मतलब हमारा इक्वेशन 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन 4।
4 ओके, हमने इसके पहले क्वेश्चन 3 बनाया था। यहाँ पे हमने पहले क्या किया था, एडिंग किया था, यहाँ पे उसके बाद हमने क्या किया, सब्सट्रैक्टिंग किया ओके। तो हमें यहाँ पे ये दो इक्वेशन मिले। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे। मैंने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन लिख दिया, तो अब हम इन दोनों का क्या करेंगे देखते। यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या दिया गया प्लस, तो सिंपली क्या होगा, हम एडिंग करके यहाँ पे इसको हम कट कर सकते ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, कौन सा, थर्ड एंड फोर ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम पहले लिखते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स एक्स क्या होगा, प्लस होगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे ये कट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, सिंपल। यहाँ पे 4, यहाँ पे 10, तो कितना हमें इसे ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये जो एक्स 2x है, ये जो 2 यहाँ पे क्या होगा, मल्टी डिवाइड के लिए जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो x के साथ ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, तो यहाँ पे कितने जाएगा 7 से, 7 टू था 14 ओके। यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, ये 7 टाइम से कट करेगा। तो यहाँ पे हमें जो x का वैल्यू है वो मिल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू। लिखते हैं पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन, हम कौन सा इक्वेशन लेंगे, यहाँ पे प्लस, मतलब ये इजी, यहाँ पे हम कौन सा लेते हैं, इस बार फोर्थ वाला लेते हैं। तो फोर्थ वाला हम यहाँ पे सिंपली पहले लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और देयर फॉर करेंगे यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे 7 ओके, प्लस y इक्वल्स टू 10। यहाँ पे इसके बाद जो 7 है क्या है, प्लस में, वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस 7, तो 10 माइनस 7 करेंगे तो हमें जो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3 ओके। तो यहाँ पे हमें जो y का वैल्यू था वो भी मिल गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन इज क्या, एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें x कितना मिला 7 ओके, तो यहाँ पे y कितना मिला हमें 3 मिला। यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन था हमने किया, तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज था हमारा फिनिश हुआ। और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।